लोकसभा चुनाव में टिकट को लेकर इस बैठक में लगातार मंथन जारी है। प्रदेश प्रभारी रंधावा, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली समेत कई दिग्गज इस बैठक में मौजूद। छत्तीसगढ़ प्रभारी और कांग्रेस महासचिव पायलट भी बैठक में पहुंच गए हैं। तबीयत ठीक नहीं होने के चलते गहलोत इसमें शामिल नहीं हुए हैं। तो कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, लोकसभा चुनाव में टिकट को लेकर मंथन किया जा रहा है। स्क्रीनिंग कमेटी की इस बैठक में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली समेत कई दिग्गज इस बैठक में मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ प्रभारी और कांग्रेस महासचिव पायलट भी बैठक में पहुंचे, लेकिन पूर्व सीएम अशोक गहलोत तबीयत नासाज होने के चलते बैठक में शामिल नहीं हुए। तस्वीरें भी हमने दिखाई थी, खबर भी आप तक पहुंचाई थी हमने। पूर्व सीएम अशोक गहलोत अस्पताल में एडमिट थे, तबीयत नासाज थी उनकी, और यही कारण रहा शायद कि वो इस बैठक में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन, टिकटों को लेकर मंथन, और ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं उस वक्त की। ये तस्वीरें कुछ देर पहले की, और बैठक में सुखजिंदर रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जुली, सचिन पायलट भी मौजूद हैं, पहुंच गए हैं। ये देखिए तस्वीरें, सुखजिंदर रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा नजर आ रहे हैं। कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत हालांकि तबीयत नासाज होने के चलते इस बैठक में नहीं पहुंच पाए हैं। टिकटों को लेकर मंथन किया जाएगा इस बैठक में। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली, तमाम प्रदेश कांग्रेस से जुड़े तमाम प्रमुख चेहरे इस बैठक में मौजूद हैं। निजाम कंटालिया मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं दिल्ली से। निजाम, बैठक शुरू हो चुकी है? बिल्कुल, बेशक। देखिए, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक लोकसभा चुनाव को लेकर, खासतौर से अगर कहें तो 25 लोकसभा के लिए, जो राजस्थान की 25 लोकसभा सीट है, उन सीटों पर मंथन के लिए, उन पर नाम क्लियर करने के लिए ये पहली जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, और कहे तो क्लस्टर की जो स्क्रीनिंग कमेटी, जो क्लस्टर है राजस्थान जिसमें शामिल है, उसकी स्क्रीनिंग कमेटी की जो चेयरमैन है रजनी पाटिल, दोनों जो सह चेयरमैन हैं, इसके साथ ही गौरव गोगोई जो कि राजस्थान स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, इसके साथ ही अगर सचिन पायलट, पीसीसी चीफ डोटासरा, टीकाराम जूली और कर्ण सिंह जो कि पूर्व सांसद रहे हैं अलवर से दो बार, वो भी यहाँ मौजूद हैं। टीकाराम जूली जो है यहाँ पहुँच चुके हैं, और सबसे एक अलग नाम जो पहली बार यहाँ कहे कि नज़र आए हैं वो हैं डिजाइन बॉक्स के नरेश अरोड़ा, वो भी अभी बैठक में पहुँचे हैं। ये कह सकते हैं कुछ मिनट, एक दो मिनट पहले ही जो बैठक है शुरू हुई है, और बैठक के साथ ही अब जो स्क्रीनिंग कमेटी को लेकर ये पहली बैठक है अगर कहें तो, चूँकि जयपुर में ये बैठक हो चुकी है और अब जो है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में शुरू हो चुकी है। जी, डिजाइन बॉक्स के नरेश अरोड़ा पहुंचे हैं यहां पर, मुझे थोड़ा समझाइए निजाम, चुनाव प्रचार, चुनाव की रणनीति, किस तरह से मार्केट में जाना है, किस तरह से लोगों के बीच में जाना है, ठीक है ये नरेश अरोड़ा ने इसकी प्लानिंग की होगी पिछले चुनाव में, 2023 चुनाव में, लेकिन आज तो टिकटों को लेकर मंथन हो रहा है, इस बैठक में नरेश अरोड़ा का होना? निजाम, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? चलिए निजाम से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है, लोकसभा चुनाव में टिकटों को लेकर मंथन इस बैठक में किया जा रहा है। 25 सीट और 25 सीटों पर किस तरह से जीत हासिल की जाए, इसको लेकर मंथन किया जा रहा है। और सुखजिंदर रंधावा ने जैसा कहा था, निजाम जुड़ गए हमारे साथ फिर से, सुखजिंदर रंधावा ने जिस तरह से कहा था कि टिकटों को बांटने में हमसे गलती हुई, वो गलती इस बार ना हो, उस पर भी फोकस रहेगा निजाम? बिल्कुल, देखिए कि इस बार ज्यादा दबाव है अगर कहें तो, जिस तरीके से अगर कहें
विधानसभा चुनाव में एक तरफ सहे तो जिस तरीके से जसविंदर सिंह ने जो कह सकते हैं प्रभारी रंधावा ने जो जवाब दिया वो सीधे तौर पे हमला करता है या सीधे तौर पे एक तरह से जो बातें लगातार मीडिया में या जो बाहरी तौर पे कही गई थी उनको स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि सभी को पता था कि विधानसभा चुनाव के दौरान AICC या कहें कि जो हाईकमान के बीच और राजस्थान जो कांग्रेस थी उसके बीच में ठीक नहीं था और जो AICC चाहती थी नाम बदले जाए टिकट काटे जाए, लेकिन टिकट नहीं काटे गए थे और इसकी सारा दारोमदार जो है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पे गया था कि वो चाहते हैं कि अपने समर्थक जो विधायक हैं उनको टिकट दिलाना चाहते थे और वो निजाम क्या टिकटों को लेकर मंथन के अलावा भी कुछ और होना है, किस तरह जनता के बीच जाए, प्रचार कैसे किया जाए? देखिए अगर इस मीटिंग को कहें ये सिर्फ स्क्रीनिंग को लेकर है, क्योंकि जो सुझाव मिले हैं तो फिर नरेश अरोड़ा का क्या काम यहाँ पर निजाम? वो एक तरफा सुझाव जो कहें वो ये बेशक बिल्कुल, देखिए कि मैं उसी पे आ रहा हूँ कि अगर सुमित बात करें तो देखिए जयपुर में जो बात आई वो एक ही बात थी स्क्रीनिंग कमेटी की और सभी लोगों से जो सुझाव आए वो यही है कि जितने भी बड़े नेता हैं दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के उनको इस बार चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि स्थिति इस बार बेहतर करने का एक सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जितने भी दिग्गज नेता है वो कांग्रेस के उनको चुनाव लड़ाया जाए, यहाँ कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो चाहे सचिन पायलट हो डोटासरा हो इवन कि सभी जो नेता हैं उन तमाम नेताओं के नाम सामने आते हैं कि उनको चुनाव लड़ाया जाए और ये बड़े लेवल पर मांग जो है स्क्रीनिंग कमेटी के पास आई है और वही इस पे चर्चा आज इस बैठक में भी होगी किस तरीके से जो है कहें तो टिकट को लेकर जो 25 सीटें हैं 25 में जिस तरीके से लोकसभा में अभी तक दो बार हो चुकी है कि कांग्रेस खाता ठीक है। शुक्रिया निजाम तमाम जानकारी के लिए।